हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद टेक टॉक विद ललितेश। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है कि हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में पॉलीलाइन जो कमांड है वो कैसे यूज करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें। होप फ्रेंड्स, आपको मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ भी पसंद आ रही होंगी। मेरे यूट्यूब चैनल में काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं, आप उनको देखें, वॉच करें और लर्न कर सकते हैं। तो आज एक ऑटोकैड सीरीज का जो नेक्स्ट कमांड है वो है बेसिकली पॉलीलाइन हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइन कमांड कैसे ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए बहुत सिंपल है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट हमारा पॉली लाइन है उसी से मिलता जुलता है, सो दैट आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगा। तो सबसे पहला काम है, कोई भी अगर कमांड लगी हुई है तो उसको आप स्किप कर दें कीबोर्ड से, सो दैट आप सारी कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो जैसे मुझे लाइन ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है कि आप लाइन क्लिक करें, एल देन एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आप दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा 100, 100, यानी जो यूसीएस का 0 पॉइंट है उससे 100 हॉरिजेंटल 100 वर्टिकल से आगे पॉइंट मेरा स्टार्ट होगा, ये देखिए आप। ठीक है, तो अभी मेरे को जैसे मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर ये डिस्टेंस भी बोल रहा है, आप डिस्टेंस दे सकते हैं। जैसे मुझे 200 mm की ड्रॉइंग है, मैंने पेज सेटअप ऑलरेडी किया हुआ है, 0, 0 एंड अपर राइट कॉर्नर मैंने किया हुआ है 1000 by 1000, यानी 1000 mm का एक स्क्वायर है, 1000 by 1000 का एक स्क्वायर है। तो 200 mm का मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि यहाँ तक आ गया। देन अपर आप चाहते हैं 50 mm का एक लाइन हो, देन आप इस साइड चाहते हैं 200 mm का, देन फिर से इस तरीके से चाहते हैं 50 mm का, तो आप देख सकते हैं एक मैंने रेक्टेंगल लाइन से बना दिया। ठीक है, जो कि कमांड मैंने लास्ट टाइम भी बनाई थी। लाइन कमांड में आप देख सकते हैं कि जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, ये सेपरेट सेपरेट पॉइंट होते हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे, राइट। इसी की सीरीज का एक नेक्स्ट कमांड होता है पॉली लाइन। देखिए, पॉली लाइन और लाइन में क्या डिफरेंस है आप ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो लाइन में आपने देखा कि एक एक करके मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, यानी अलग अलग ये स्प्लिट हो गए, यानी अगर ये मेरा रेक्टेंगल है तो चार लाइनें आपको दिखाई दे रही है, चारों अलग अलग सिलेक्ट हो सकती है, चारों डिलीट भी हो सकती है वन बाई वन। अब आपको क्या करना है, पॉली लाइन कमांड कैसे यूज करना है, जैसे अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, PLI यानी पी लाइन, ये कमांड है हमारी पी लाइन यानी पॉली लाइन। आप एंटर करेंगे तो ये कह रहा है स्टार्ट फर्स्ट कॉर्नर। तो अभी मैंने बेसिकली ये शिफ्ट किया था, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 100 का बेसिकली डिस्टेंस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बेसिकली जो मेरा पहला पॉइंट है वो कितना होना चाहिए, आप शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 10, ठीक है, कॉमा 10, स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा एरर हो गया। पी लाइन पे जाएंगे यानी पॉली लाइन, 10, 10, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप ये डिस्टेंस ले सकते हैं, मैंने कहा 300 मेरा हॉरिजेंटल होना चाहिए, वर्टिकल में 50 होना चाहिए, एंड हॉरिजेंटल में फिर से 300 होना चाहिए, एंड वर्टिकल में फिर से 50 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके, कंट्रोल जेड, और यहाँ से आप देखेंगे ये इस तरीके से मेरा 50 होना चाहिए, ये मेरा स्पेसिफाई एक रेक्टेंगल हो गया, राइट। आप देख पा रहे हैं कि लाइन से जो मैंने ड्रॉ किया है वो भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, जिससे आपको डिफरेंस क्लियर आ जाएगा, नजर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर एस्केप किया और अगर मैंने पॉली लाइन से जो बनाया है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो ये होल ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट हो रहा है, यानी पॉली लाइन से जो आप बना रहे हैं उससे जो भी आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट, जब पूरा बन जाएगा तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, और लाइन से बनाएंगे तो सिंपल एक एक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट में जितने भी ब्रेक पॉइंट्स हैं वो सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। यानी सिंपल तरीका है, अगर एल एंटर करेंगे तो यहाँ से आप इस तरीके से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं, और आप देखेंगे ये अलग अलग मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो पा रहा है। और अगर आप पॉली लाइन से बनाते हैं, ये कोई भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने पॉली लाइन कमांड लिया और एस्केप प्रेस किया, तो आप देखेंगे यहाँ से ये एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, यानी आप पॉली लाइन से जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो सारा गायब हो जाएगा, सारा डिलीट हो जाएगा, जैसे मैं कंट्रोल जेड से अभी वापस ला रहा हूँ,
और अगर लाइन से बनाएंगे तो सेलेक्ट करेंगे तो कोई एक 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 पार्टी हमारा क्या होगा, ये डिलीट होता जाएगा, राइट। तो अब आपको क्या करना है, ये भी आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है या ये वाला जो पॉली लाइन से बनाया है ये अलग अलग ब्रेक हो जाए, लाइक ऐसा हो जाए जो लाइन से जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऐसा हो जाए, ये स्प्लिट हो जाए सारी चीजें, राइट। तो उसके लिए भी हमारी कमांड, हमारे पास एक कमांड अवेलेबल है ऑटोकैड में, एक कमांड अवेलेबल है जिसको हम यूज करते हैं, उस कमांड को बेसिकली हम बोलते हैं एक्सप्लोड कमांड। तो एक्सप्लोड कमांड के लिए क्या करना है, माना पॉली लाइन से आपने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया और आप चाहते हैं कि वो सेपरेट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है, एक्स एक कमांड होती है जिसका मतलब होता है एक्सप्लोड कमांड, एक्स देन एंटर किया, उसके बाद ये कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं एक्सप्लोड करना चाहता हूँ इस वाले ऑब्जेक्ट को, सिलेक्ट करेंगे देन आपको बेटा एंटर करना है फ्रेंड्स, एंटर किया देन उसके बाद आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट जो है जो भी था पॉली लाइन से बना हुआ वो अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है। तो आप सेलेक्ट करिए लाइन को, तो देखिए आपके सारे ऑब्जेक्ट हमारे जो भी था एक्सप्लोड हो चुका है, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो भी कॉर्नर है ब्रेक पॉइंट्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं, राइट। तो ये मेरा एक्सप्लोड कमांड है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, अब ऐसा लग रहा है ये वाला कि लाइन से बना है लेकिन एक्चुअली पॉली लाइन से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब इस वाले रेक्टेंगल जो मैंने बनाया था पॉली लाइन से आप ब्रेक करना चाहते हैं, तो सेम कमांड है एक्सप्लोड कमांड, यानी एक्स देन आप एंटर करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे देन उसके बाद फिर से एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो था ये भी मेरा एक्सप्लोड हो चुका है, यानी ब्रेक हो चुका है। तो इस तरीके से मैं पॉली लाइन कमांड यूज कर सकता हूँ, लाइन भी यूज कर सकता हूँ, दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर नजर आ रहा होगा। सो होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज, आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे, तो अकॉर्डिंगली आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सिर्फ मैं अभी कमांड के बारे में बता रहा हूँ, अभी डायमेंशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं डायमेंशंस के बारे में भी बताऊंगा आपको, प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा सो दैट आप कोई भी ड्राइंग आप बना सकते हैं। सो इसी सीरीज के आगे और भी कमांड्स होंगी, सो होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज, एंड डेफिनेटली आपको ऑटोकैड पर ड्राइंग बनाना आ जाएगा, तो आप लगातार मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, वीडियोस को लाइक करें, वॉच करते रहें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि सारी वीडियोस के बारे में आपको पता चले। सो नेक्स्ट वीडियोस के लिए मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा जिससे कि आप एग्जैक्टली आप बनाना और भी सीख सकते हैं किस तरीके से हम वीडियोस किस तरीके से हम ड्राइंग बनाते हैं। तो अभी जो कमांड है लाइन एंड पॉली लाइन एंड एक्सप्लोड कमांड, टोटल तीन कमांड हुए। सो नेक्स्ट वीडियोज के लिए थोड़ा सा वेट करिए एंड आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियोज भी मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना करें और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।